ईडी की रेड पड़ी है अलग अलग ठिकानों पर, इस पर आपका क्या रिएक्शन? ये देखिए, कानून का अपना विषय है और जहां पर भी ईडी को कुछ लगा होगा तो उनका अपना विषय है, कोई ये हमारा कोई विषय नहीं। मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है इंजन मजबूत है ये और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर थोड़ा सा नीचे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से हरियाणा के अंदर तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिले हुए हैं और दोनों झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेकर के काम करते हैं। नैनपाल रावत का तो ईडी का कोई मामला होगा उसके अंदर, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है वो कई चीज़ों का ध्यान रखती है और जहां भी उसको गलत लगा होगा तो वो गए होंगे। ईडी का अपना काम। सतलुज का पानी हिमाचल के रास्ते लाने की कवायद शुरू, आज पीआईएल दाखिल हुई है इसमें सर? नहीं देखिए, पानी की आवश्यकता है हमारे हरियाणा के अंदर, लाखों एकड़ भूमि जो उस पानी का इंतजार कर रही है और हम लगातार इस बात को कह भी रहे हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं लोग और वादा भी करते हैं, वहाँ जाकर के मुकर जाते हैं, दो दो चेहरे यहाँ पर दिखाई देते हैं। हरियाणा के लोग अब समझ रहे हैं ऐसे लोगों को कि कौन दो दो चेहरे लगा करके घूम रहा है और उसका जवाब भी देंगे, क्योंकि इस पानी की हमारे किसान को आवश्यकता है, पानी मिलना चाहिए और हमारा सभी लोग इसको प्रेक मत है। परंतु हम उनसे भी बार बार ये कह रहे हैं कि ये पानी अवश्य दें। 10 साल का 11 क्वेश्चन किए, आगे और करूँगा, उनका उत्तर दें वो। मैंने 11 सवाल किए हैं, वो 11 सवालों का उत्तर तो दें पहले, कहीं तो दें, गांव में दें, घर में बैठ के दें, कहीं होटल में बैठ कर दें, दें तो कहीं ना कहीं। मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, महिला मजदूरों के साथ, महिलाओं के बीच में बैठे दुपिंदर हुड्डा आज नहीं देखिए, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता, उनको अपना कार्यकाल ध्यान करना चाहिए कि किस प्रकार के अत्याचार उनके शासन के अंदर हुए हैं, किस प्रकार का वो शासन तंत्र रहा है। FIR दर्ज नहीं होती थी, अब रोटी खाने का क्या फायदा जब चिड़िया चुप गई खेत। अमित शाह कुछ विशेष निर्देश दे के गए हैं चुनावों के लिए, अमित शाह आए थे कुछ बड़ा निर्देश दे कर गए हैं? हाँ देखिए, आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि जो कांग्रेस एक भ्रामक प्रचार कर रही है, हिसाब मांगो, हम हिसाब गांव-गांव के अंदर जाकर के देंगे, हर पंचायत के अंदर हिसाब देंगे, वो भी दें। मैंने 11 क्वेश्चन किए हैं, वो 11 का उत्तर दे, फिर मैं आगे और क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन नहीं समझ रहा, कांग्रेस के समझ में नहीं आ रही है और वो अब 2024 का जो चुनाव है इसके बाद इनके भी समझ में आ जाएगा।